बांध कोई शहर में ई मित्र संचालकों की मनमर्जी आम आदमी की कर रहे हैं। जेब ढीली, आधार करेक्शन के लिए वसूल रहे हैं कई गुना चार्ज। यह ई मित्र पर मिलने वाली सेवाओं की भी वसूल रहे हैं कई गुना राशि। संबंधित विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते ई मित्र संचालकों के अवैध वसूली को लेकर हौसले बुलंद। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में ई मित्र संचालकों की मनमानी जहां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं संबंधित अधिकारियों की अनदेखी इसको बढ़ावा देने में आशीर्वाद का काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला आज बांदीकुई में सामने आया है। बताया कि गया की ई मित्र संचालक द्वारा आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए चार गुना राशि वसूल की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा राजस्थान शिकायत पोर्टल पर की गई, जिसके चलते आज बांदीकुई पंचायत समिति के तीन सदस्यीय प्रोग्रामर की टीम पंचायत समिति के सामने संचालित चंचल ई मित्र पर पहुंची और शिकायत की जांच की। जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। जांच दल द्वारा उक्त मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए आगे भेजी जाएगी। इसी तरह कुछ दिन पूर्व बसुआ तहसील में संचालित ई मित्र संचालक द्वारा एक छात्र से EWS प्रमाण पत्र के लिए चार गुना राशि वसूल की गई थी, जिसकी खबर प्रकाशित होने के बाद भी संबंधित आला अधिकारियों को जू तक नहीं रहेंगी। संबंधित अधिकारियों की इस तरह की अनदेखी करने से जहां गरीब आदमी की जेब पर ई मित्र संचालकों की कैंची चल रही है, तो वहीं ई मित्र संचालक अपनी मनमर्जी से चार्ज वसूल रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी की अगर बात की जाए तो क्षेत्र के अधिकतर ई मित्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई रेट लिस्ट गायब मिलेगी। बाइट पीड़ित व बाइट संबंधित अधिकारी। क्या मामला था पूरा? सर वो आधार कार्ड बनवाया था, मैंने आधार कार्ड गुम हो गया था मेरा, तो मुझे आधार कार्ड निकाल दो और एक मोबाइल नंबर सेट कर दो। ठीक है, हो जाएगा। तो मैं सर यहाँ बैठा रहा काफ़ी देर हो गई, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे अभी थोड़ी देर रुक जाओ मशीन काम नहीं कर रही है। तो 12-1 बज गए, फिर बाद में कि क्या हुआ, करे यार ऐसे करो घरवाली को लेके आओ, अंगूठा लगाएंगे सब निकलेगा। मैं ठीक है, फिर घरवालों को मैं गाँव से बुला लिया, बीमार थे उनको साधन चीमापुरा, फिर सर ला के और उनको गूठा लगवा के फिर काफ़ी देर होगी। मैं कि अब ये परेशान है, इनको तो जाने दो। अगर ठीक है जाने दो, आप ले जाना। तो सर आप शाम को जाके इनने मेरे को वो आधार कार्ड दिया, तो मैंने कहा कितने पैसे हो गए, कराए 200 रुपये हो गए। मैं कि भैया 200 कैसे हो गए, बच्चा किसी से मालूम करके 100 रुपये में दोनों काम हो रहे थे, भाई आपके उससे समझो जो काट लो, नहीं कर 200 लगेंगे करे। मैंने 500 रुपये दिए सर, 200 रुपये काट के 300 रुपये मेरे को वापस दे दिए, और वो आधार कार्ड दे दिए, और कोई पर्ची नहीं दी और कुछ नहीं दिया मेरे को। मैंने 181 नंबर पे की सर। तो उस पे क्या कार्रवाई? उस पे सर मैडम ने फ़ोन करके फिर आज मेरे को बुलाया था, उस हिसाब से मैं सीधा यहाँ पे आ गया, और अब ये साहब लोग आए हुए हैं। जांच टीम आई है? हाँ, जांच टीम आई है सर। और जांच टीम ने आपसे क्या पूछा? जांच टीम ने पूछा कर सर आपको पर्ची दी है? मैं मेरे को कोई पर्ची नहीं दी है। आपका नाम? रतन सिंह है सर। क्या कार्रवाई की? ये राजस्थान संपर्क पे शिकायत आई थी इसकी, जिसकी हमने इससे आधार कार्ड के संबंध में 200 रुपये वसूल किए थे, जिसकी हमने सत्यता की जांच करके उसका औचक निरीक्षण किया है, जिसमें हमने इसकी रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट को हम कार्रवाई के लिए आगे प्रेषित कर देंगे। जी, आपका नाम और पद? राकेश कुमार। पद? सहायक प्रोग्रामर।